अभी आपको उन लोगों के लिए माफी मांगनी है, अभी आपको उन लोगों के लिए माफी मांगनी है जिन पे झूठे मुकदमे लगा के आपने अंदर किया है। पूरे इस चीज का जवाब दीजिए। ये जो देश का किसान यहाँ पे बैठा है, इसने कहा मैं पंजाब से हूँ, इसने कहा मैं हरियाणा से हूँ, इसने कहा मैं चंडीगढ़ से हूँ, उत्तरांचल से हूँ, या कहीं से, इसने कहा मैं भारत से हूँ। नीतू जी, कानून को वापस करने का अनाउंस हो गया पीएम के द्वारा, क्या बोलेंगे, घर वापसी होगी नहीं होगी? क्यों अभी मतलब वापसी? पीएम तो एक ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे देश का जिसके झूठ पे जो कि झूठ पे झूठ बोलता है, और उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। वो तो एक साल से पिछले कहते आ रहे हैं, वो तो ये कहते आ रहे हैं कानून बहुत अच्छे हैं, कानून समझो, तो आज वापस करने की क्या जरूरत है? और अगर वापस किए हैं, हम इस चीज का विरोध नहीं कर रहे, और ये जो कानून वापस करे हैं ये इसलिए नहीं करे कि इसमें किसानों का भला या किसानों के लिए करे, ये उन्होंने अपने लिए किसान कृषि कानून जो है वो अपने लिए वापस करे हैं, क्योंकि यूपी इलेक्शन है, चुप चुनावों में बाय इलेक्शन जो हुए उसमें जो हार हुई वो थप्पड़ आगे नहीं खाना चाहते। इस तरीके के तमाचे जो आगे पड़ेंगे, उन तमाचों से, उन हार से बचने के लिए, जनता की जवाबदेही से बचने के लिए ये कानून वापस लिए हैं। और अभी भी कहा है, अभी हमारी, अगर आप बोले कि हम लोग थोड़ा पीछे कर ले, अगर आप बोले कि हम लोग सेलिब्रेट करने लग पड़े हैं कृषि कानून वापस हो गए, तो ये हमारी जीत थोड़ी है। अभी कृषि कानून एमएसपी पे गारंटी बाकी है, एमएसपी पे लॉ दीजिए, जब तक आप एमएसपी पे बात नहीं करेंगे, लखीमपुर खेरी पे जो लोगों के जो निस्सहार हुआ उसके ऊपर, जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग मरे, उनके लोगों को, उनके परिवारजनों को जो मुआवजा देना वो दो, किसानों की जो शहादत हुई हर बॉर्डर पे उनके परिवारों को मुआवजा दो, तब जाके हम सोचेंगे। और जब ये संसद में पास होगा एक्चुअली, कि कहेंगे वहां पे कि ठीक है, ये संसद का सदन बैठा और वहां पे वापसी होगी, एक किस्म से लॉ टाइप बन के आ जाएगा, तो देन वी विल बिलीव, अदरवाइज ये मोर्चा ऐसे ही रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने सुबह उठते ही सबसे पहले किसानों को खुशखबरी दे दी है, उन्होंने कहा जब सत्र खुलेगा तो हम जो सत्र में कानून वापस ले लेंगे इसको, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो मैंने आपको बोला वो खुशखबरी नहीं है भाई, वो खुशखबरी हमारे लिए थोड़ी है, वो तो वो है कि जो यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, पंजाब में जो हाल हो रहा है वो उसके लिए वापसी लिए बिल हमारे लिए। एक बात मुझे बताओ, मैं आपको एक साल से कोई चीज दे रही हूँ जबरदस्ती, जो आपने मांगी ही नहीं, आपने ली ही नहीं, और मैं बोल रही हूँ मैंने वापस ले ली, आपने ली, किसानों ने बिल लिए थे, हमने लिए थे बिल, लिए थे आपने बिल, तो जो चीज हमने ली नहीं आपने वापस ले ली, उस किस चीज का हम खुशी मनाए? ठीक है, देयर इज अ रिलीफ, वो इस चीज का रिलीफ है कि जो हमारी एकता है, अखंडता है, जो हमारी ताकत है, प्रधानमंत्री को झुका दिया, और ऐसे प्रधानमंत्री को झुकाया जिसने सीएए पे अपनी गुंडागर्दी करके दिखाई, जो अमित शाह हैं, आपने देखा उन्होंने कितनी अपनी जुबान से कितने गंदे शब्द मुसलमानों के लिए तब बोले थे, और अपनी अड़ी पे अड़े रहे। अभी ये सिर्फ जिसे कहते ना ये झांकी है, अभी पूरे देश को बचाना बाकी है। जब तक प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, जो लोगों, जो हमारे किसान मरे हैं इस आंदोलन में, उनके लिए माफी मांगो, उनके परिवारजनों को मुआवजा दो। आपने जो निजीकरण किया, आपने जो लेटरल एंट्री करी, अभी वो सारी चीजें बाकी है, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, ये छोटा सा ट्रेलर है। मैं वही तो बोल रही हूँ, अभी आपको उन लोगों के लिए माफी मांगनी है, अभी आपको उन लोगों के लिए माफी मांगनी है जिन पे झूठे मुकदमे लगा के आपने अंदर किया है, सबके, जिन जिन पे मुकदमे लगाए, जिन जिनको अंदर किया उनको रिहा करो, उनके मुकदमे वापस लो। यूएपी के खिलाफ तहत जो आपने जर्नलिस्ट को, जो आपने लोगों को अंदर किया है बिना किसी समझ के, अपने तरीके से कानून को चलाना, उनके कानून, उनको वापस करो और उनको जेल से बाहर निकालो। जब तक ये सारी चीजें नहीं होती, एमएसपी पे लॉ नहीं बनता, गारंटी नहीं बनती कि आप एमएसपी थी है जो रहेंगे, जो कहते हैं ना वो लिखित में नहीं आता, वी विल नॉट टर्न बैक, क्योंकि ऐसे झूठे वादे हमने बहुत बारी उनके देखे हैं। उन्होंने तो कहा था आपको 15 लाख मिले, मुंह से ही कहा था ना, तो खुश हो जाना चाहिए, आपके अकाउंट में आ गए, हमारे तो नहीं आए। तो जब वो सारी चीजें नहीं आई, जब काला धन वापस नहीं आया, जब देश में युवा के साथ जो रोजगार देने का वादा किया था जब वो नहीं मिला, कोरोना में जो उनका फेलियर हुआ था वो आप सबने देखा, तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले इस चीज का? मैम, 15 लाख की बात, संवैधानिक पद पे नहीं थे पीएम मोदी साहब उस टाइम पे, और अब तो संवैधानिक पद पर है, अब तो बिलीव करना चाहिए। किस चीज पे बिलीव करना चाहिए? मतलब आप संवैधानिक पद के पहले जो झूठ बोल के आए, जुमले देकर आए, और आपको इसलिए सीएम से पीएम बनाया जाए कि आप किसानों के कर्ज माफ कर देंगे? आप सीएम से पीएम बन के आगे ऐसी करतूतें करते करते कि मैं कर्ज माफ करूंगा, मैं ये दूंगा, मैं इतने लाख नौकरियां दूंगा, और अब आप बात करें, विश्वास करें, पीएम की कुर्सी पे बैठ के आप सब भूल जाएंगे। तो बीजेपी का असली मकसद ये नहीं है कि कृषि कानून को वापस लेना, उनका मकसद है सिर्फ इलेक्शंस को बचाना, कि किसी भी तरीके से, जब मैं बार बार यही चीज कह रही हूं, जो बाय इलेक्शंस में हार हुआ है, जो उपचुनावों में उनके मुंह पे तमाचे लगे, ये कानून, जो कृषि कानून है, ये वापसी उनके लिए है। ये जो वापसी उन्होंने जो आज इमोशनल एक ड्रामा किया है गुरुपुर पे, ये दिखा के कि मैं कृषि कानून को वापस ले रहा हूं,
आप कैसे उस चीज को वापस ले सकते हैं जो हमने ली ही नहीं, हमने ली है बार बार मैं कहती हूँ। अच्छा, आपने जबरदस्ती मुझे कोई चीज दी थी, मैंने ली नहीं। कह रहे हैं कि हम वोट देंगे बीजेपी को, कोई किसान नहीं कह रहा पत्रकार। आप ये चीजें लोगों के मुंह में मत डालिए, हम सारे किसान खड़े हैं, आप दोगे वोट? बैन करो कैमरा, दोगे वोट? कोई नहीं देंगे, जनता ने देखा मोदी जी का झूठ। कोई नहीं देगा, हिंदू मुस्लिम में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जमीन पे नफरत फैलाती है मीडिया, जो मीडिया जो बन के बैठी है ना, जो जिसे कहते हैं ना, जो पत्रकार है बीजेपी का, वो मीडिया है, वो झूठ फैलाती है। और आप जैसे पत्रकार वो काम मत कीजिए। वहाँ भी तो किसान ही थे। देखिए बिल्कुल सही बात है, वो भाजपा के किसान थे। देखिए देखिए देखिए, वो आप जिस तरीके से कह रहे हैं, पहली बात है वो लोग किसान नहीं, जो किसान है उनको आप बॉर्डर पे बैठे देख सकते हो, ये किसान है जिनको आज आप कवर करने आए हो। आप वहाँ क्यों नहीं गए कवर करने इस समय? जो किसान है असली, जो सच्चे लोग है, जिनको इस चीज की खुशी है, जिन्होंने संघर्ष किया, वो आपको किसान आंदोलन में दिखेंगे। जी झूठ बोले हैं, बिल वापस नहीं लेंगे। मोदी जी वैसे झूठ बोले, 15 लाख मिले आपको, युवाओं को रोजगार मिला, बताइए अगर मिला है तो मेरे को बताइए, काला धन वापस आया? अगर आया तो मोदी जी ये कृषि कानून पे वैसे ही झूठ बोले हैं। और मोदी जी अगर वापस भी, जो मोदी जी, एक सेकंड, मैं बार बार ये कह रही हूँ, मोदी जी ने कि हमारे लिए वापस नहीं लिए, क्योंकि हमने लिए ही नहीं तो वापस क्या लोगे? वो तो डिफेंड करेंगे। अब ये सरकार की पूरी एजेंडा चलेगा किस तरीके से इस कानून की कमियां बताने की, ये अच्छी बात है। ये इम्प्लीमेंट के विरोध में क्यों है? उनसे उनका दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में नाम है, इसीलिए तो चाइना अंदर आ रहा है ना। मोदी जी का दुनिया में इतना डंका बज रहा है, इसलिए तो चीन अंदर आ रहा है, किस तरीके से अपने ट्रूप्स बना रहा है अंदर आकर। हाँ, कोई टीवी अखबार आपको कभी नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार ने आपको ये दिखाया कितने किसानों की शहादत हुई? टीवी अखबार कभी आपको सच्चाई दिखाता है कि कितने युवा बेरोजगार है, कितने युवा जाके जंतर मंतर में रोज आह भरते हैं, कितने लोग मर जाते हैं इस चक्कर में कि खाने को खाना नहीं है, देश बेरोजगारी में 101 नंबर पे आ गया? क्या दिखाया उन्होंने टीवी अखबार ने? मोदी का विरोध देश का विरोध, मोदी का विरोध नहीं। किस तरीके की बातें करते हैं आप? मोदी का विरोध देश का विरोध? मोदी को अगर आप हराना, लिटरली ये जनता मोदी, एग्जैक्टली भाजपा अगर अपने आप को देश समझती है तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और ये उनकी, आप दिख रहे हैं ना, ये बौखलाहट है। अगर आप इतने सच्चे हैं, किसान तो नहीं हटा, किसान पीछे हटा, हम तो नहीं पीछे हटे, हम तो अड़े हुए हैं। एक साल हो गया, 26 तारीख को, अभी उनको पता था आने वाले 26 नवंबर को जो किसानों की बात रख ली ना मोदी जी ने, अब तो किसान बढ़ चढ़ कर वोट देगा। अच्छा, मतलब मोदी जी अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, जिनको एक साल से दिखे नहीं किसान बैठे हुए बॉर्डर पे? या मोदी जी को हजार की तक आंकड़ा पहुंच गया किसान शहीद हो गए, वो नहीं दिखे मोदी जी को? आज मोदी जी को जो उपचुनावों में हार हुई, बुखला गए तो आज दिखा। आज अगर पंजाब के सीएम की, दलित सीएम की बात करो, तो उसने इतने लोगों को, बेरोजगार जो वर्कर्स थे उनको नौकरियां दे दी, वो वहां से डर गए। वो ये डर गए कि युवा जागरूक हो गया, वो ये डर गए अभी कि 26 नवंबर को एक साल हो जाएगा तो वो संभाल नहीं पाएंगे हमारी एकता को। पत्रकार तो कह रहे हैं किसान या हॉलीडे मना रहे थे, मोदी जी ने एक साल की छुट्टी दे दी। क्यों ना मनाए हम हॉलीडे, क्यों ना मनाए हम हॉलीडे? वी मच डिजर्व दिस हॉलीडे। जो देश का किसान इतनी मेहनत करके उगाता है, फसल उगाता है, खाता है, तो वो क्या 4 दिन आराम से नहीं बैठ सकता? अभी तो अगर संघर्ष करने के लिए हमें 2 साल 10 साल और भी बैठना पड़े ना, हम हटेंगे नहीं। क्योंकि देश का पहला ऐसा आंदोलन है, ऐसा जिसने पूरे देश को जागरूक करके रख दिया। आप लोग जाइए घर, क्यों जाए हम घर? मोदी जी ने अनाउंस, वही मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, 15 लाख भी किए थे, मिल गए आपको। काला धन किया था अनाउंस, मिल गया आपको। बेरोजगारी नहीं है देश में, युवाओं को नौकरी मिल गई, आपको मिल गया। हमारे परिवार में तो किसी को नहीं मिली, उल्टा जो हमारे पास थी वो भी छीन ली, फिर कैसे हम घर चले जाए? बिल्कुल, युवाओं की नौकरी छीन ली, युवाओं का भविष्य छीन लिया, खिलवाड़ किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। हमारे हाथ में क्या है? शिक्षा तो हम नहीं ले सकते, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए इतना महंगा सब कुछ कर दिया कि इंसान सोच नहीं सकता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई करे कि कहां से फीस दे। गरीब पूरी जनता को कर दिया, किसानों का कर्जा माफ कर दिया मोदी जी। एक सेकंड, आप पहले आप मुझे बात, इन पे पैन कीजिए कैमरा, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। कर्ज माफ करते करते सीएम से, हाँ मोदी जी ने छोड़ दिया, आपके पास कौन है जिसके लिए वो चोरी करे? हाँ एग्जैक्टली, मोदी जी के पास कौन नहीं है? मोदी जी जिनकी जेबें भरने आए हैं ना, वो एक मकसद से लाए हुए हैं, मकसद से यहाँ पे बैठे कि सब कुछ बेच बाज के पूंजीपतियों को हाथ में दे देना और खुद झोला उठाएंगे, साफ चलते फिरेंगे फॉरेन में। पता नहीं उनका कितना करोड़ों का अरबों का घर भी तैयार हो चुका होगा फॉरेन कंट्री में, भागने वाला है प्रधानमंत्री बहुत जल्दी। आप भी देख रहे हैं, एविडेंस के बोल रही हैं। अच्छा, तो मोदी जी एविडेंस के साथ बोलते हैं? पूछा कभी है मोदी जी से? पूछो, मैं बोल रही हूँ कोई युवा पास रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, एविडेंस है? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री
बिना इविडेंस के झूठ बोलता है और आप वो मान लेते हैं, मुझसे आप इविडेंस मांग रहे हैं। कमाल हो गया। पूर्वांचल के कितने किसान आपके साथ जुड़े? बहुत सारे किसान हमारे साथ, क्यों नहीं है? मैं क्या गिनती करके बताऊं? मैथमेटिक्स दिखाऊं मैं आपको? यहाँ पे आपके साथ कितने हैं? बहुत सारे हैं। कितने इस समय, मतलब इधर क्या कितने सारे हैं? अब मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ से आए, इनको पता है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं गिनती करके दिखा दूं। किसानों का ये स्थिति है कि वो आज आत्महत्या करने में तुले हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपने इन तीन कानूनों पे सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है तो उनके लिए भी उठानी चाहिए? किसने काम नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। तो अगर देखिए देखिए तो जो हमारे आत्महत्या कर रहे हो, देखिए तो ये जो किसान आत्महत्या की है, ये जो किसान बॉर्डर पे, देखिए देखिए पूर्वांचल का आपको शायद हाल नहीं पता है, आप इसीलिए बोल रही हैं मेरे को बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे को लगता है लेटेस्ट वहाँ से होकर आए? आप लेटेस्ट होकर आए? मेरी मेरी जो मिट्टी है वो पूर्वांचल है। हाँ, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमें हाल नहीं पता? आप मुझे बता दीजिए इन किसानों ने, पूर्वांचल भाई साहब आप मुझे बता दीजिए, इन किसानों ने कभी आप बताइए यहाँ पे पूर्वांचल का कितना किसान मौजूद है? बहुत है। आप मुझे नहीं 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 नहीं, मुझे बात का जवाब देने दीजिए। आज आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, ये जो देश का किसान यहाँ पे बैठा है, इसने कहा मैं पंजाब से हूँ, इसने कहा मैं हरियाणा से हूँ, इसने कहा मैं चंडीगढ़ से हूँ, उत्तरांचल से हूँ, या कहीं से, इसने कहा मैं भारत से हूँ, भारत का हम उठा रहे हैं, किसने कहा नहीं उठा रहे? ये सब किसान एग्जैक्टली, आप जो इस आंदोलन में आएगा सबकी आवाज उठेगी। देखिए आपको लड़ने के लिए ना घर से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप आएंगे ना, या तो आप घर बैठ के सड़ेंगे, या तो आप बाहर निकलेंगे और लड़के मरेंगे। और किसान, जो भी किसान आंदोलन, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है। मैं युवा हूँ ना, मेरा क्या काम है यहाँ पे, लेकिन युवा की आवाज भी इस जगह से उठाई जा रही है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक एक पूर्वांचल हो गया, एक पंजाब हो गया, एक हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, तो जब ये मुट्ठी एक होगी ना, तो आज हमारी यूनिटी की ताकत का ही नमूना जो आज हुआ है, जो बिल वापस हुए हैं। जी मैम, एमएसपी को कानूनी जामा पहना देंगे, तीनों कानूनों को वापस ले लेंगे, यही दो चीजों पे किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यही वापिस हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं तो सीधा अपने घर जाए, क्या? अरे भाई साहब, उसके बीच में जो हमारे किसानों की शहादत हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिनके घर, जिन माओं ने अपने बच्चे खो दिए, सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने अपने पर, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपना पिता खो दिया, उनकी उनकी उनका मुआवजा कौन देगा? और दूसरी बात, हाँ तो मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद कर्ज माफ होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनफोल्ड होगी, जिनका आंसर आई एम नो वन टू गिव, जो हमारे, मेरे को आप पीछे दिखेल दो एकदम, ठीक है? तो जिनका जवाब जो है वो हमारे जो आगू हैं, किसान लीडर्स हैं, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर ऑल दैट। बट क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि दीज फार्म लॉज जो रिपील हुए, दिस इज नॉट फॉर द फार्मर्स, दीज फार्म लॉज हैव बीन रिपील्ड फॉर द बीजेपी, बिकॉज इलेक्शंस आर अहेड, दैट्स इट। थैंक यू।